आज के बढ़ते टेक्नोलॉजी के दौर में जहां सोशल मीडिया पर लोग अधिक एक्टिव हैं, वहीं अखबार, पत्रिका और किताबों से लोग दूर नजर आते हैं। लेकिन इस दूरी को मिटाने के लिए एक नई पहल शुरू की जा रही है। बोलो जिंदगी हिंदी मासिक पत्रिका के माध्यम से बता दे कि आज पटना में बिहार विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने अपने आवास पर बोलो जिंदगी हिंदी मासिक पत्रिका का लोकार्पण करते हुए कहा कि यह पत्रिका हमारे समाज में एक सकारात्मक जिंदगी को जोड़ते हुए समाज से नकारात्मकता को खत्म करने की पहल है। यह पत्रिका आज भी पाठकों के बीच उतनी ही प्रासंगिक रहेगी जितना पहले और पत्रिकाएं हुआ करती थी। देखिए यह रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज, मैं हूं अमलेश आनंद। साहित्य और कला संस्कृति के संवर्धन के लिए एक मैगजीन का आज लोकार्पण किया गया, जो नंदकिशोर यादव जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनके पास, उनके हाथों से ये इनका लोकार्पण किया गया है। और आप देख सकते हैं कि बोलो जिंदगी नाम से ये पत्रिका है जो राष्ट्रीय हिंदी पत्रिका है। और इसमें जो इनके संपादक हैं उनका मानना है कि अभी जिस तरह से सोशल मीडिया से लोग ज़्यादा घनिष्ठता बना लिए हैं और अपनी साहित्य और संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, तो ये मैगज़ीन जो है वो उसके लिए एक द्योतक होगा और इससे फिर से आकर्षित करने के लिए ये मैगज़ीन लोगों को या साहित्यकार को या पाठकों को एक जगह लाने का काम करेंगे। आइए सुनते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव जी। आज बोलो जिंदगी नाम की एक नई पत्रिका का लोकार्पण हुआ है। इस पत्रिका में राजनीति की विद्वत्ता से अलग सामाजिक चेतना के बारे में और कला संस्कृति के बारे में विशेष सामग्री देने का निर्णय संपादक मंडल ने लिया है। इस बात की कमी दिखती है आज समाज के अंदर, ऐसी पत्रिकाओं के ऐसे विषय की कमी दिखती है। मुझे पूरा विश्वास है कि पत्रिका इन विषयों को और बेहतर ढंग से समाहित करते हुए समाज जीवन के हर पहलू को अपनी पत्रिका में स्थान देगी। पत्रिका बेहतर सामग्री के साथ लोगों के बीच में जाए, लोकप्रिय हो, ग्राह्य हो, इसकी कामना करता हूँ। तो आपने सुना कि नंदकिशोर यादव ने साफ साफ कहा है कि साहित्य की एक संवर्धन के लिए जिसमें कि कला संस्कृति की रक्षा और उनसे लोगों को रूबरू हो, पठनीय सामग्री हो, इस तरह से ये मैगज़ीन है। और इस मैगज़ीन को घर घर तक जाने से कम कला और संस्कृति से लोग रूबरू होंगे और साहित्य के तरफ लोगों का झुकाव होगा। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के जो कला संस्कृति प्रकोष्ठ के एक ओहदे माने जाते थे, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आज राकेश जी ने आपको बुलाया है बोलो जिंदगी पर, और पता चला है कि आप पहले से साहित्य से भी बहुत अच्छा संबंध रखते हैं। क्या कुछ कहेंगे इस मैगज़ीन के लिए? निश्चित रूप से ये एक बहुत ही बेहतर और अच्छा प्रयास है राकेश जी का, और मैं उनके इस प्रयास की सराहना करते हुए उनके इस अभियान को सफल होने में ईश्वर उनका सहयोग करे, इसकी पहले तो प्रार्थना करूँगा। ये कला और साहित्य के संरक्षण के लिए एक बहुत ही बेहतर प्रयास है, चूँकि इन्होंने इसमें ऐसे ऐसे विषयों को रखा है इस मैगज़ीन में जो नॉर्मली आप जितने भी मैगज़ीन आप पढ़ते होंगे, जितनी भी पत्रिकाएं पढ़ते होंगी, उसमें इस तरह का विषय नहीं रहता है। तो ये एक अलग हट के इनका एक प्रयास है जो समाज के लिए, देश के लिए और अपनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए, बचाने के लिए इनका ये प्रयास निश्चित रूप से सफल हो, ऐसी मेरी शुभकामना है। हमारे साथ इस पत्रिका के संपादक हैं राकेश सिंह सोनू, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये पत्रिका लाने का इनका मेन मकसद क्या है आज के समय में जहां सोशल मीडिया इतने हाइप पर है। राकेश जी, जैसे कला संस्कृति के तरफ मेरा मतलब जब से मैंने होश संभाला तब से मेरा रुझान है, क्योंकि मैं भी कविता लिखता हूँ, मैं भी गाना लिखता हूँ, तो एक तरह से छोटा मोटा कलाकार मैं भी कुछ कह सकता हूँ। तो कलाकारों के बीच रहना, उनका इंटरव्यू लेना, वो ज़्यादा मुझे पसंद आता था। बनस्पत मतलब शुरू से ही राजनीतिक मैं फ्रीलांसिंग करते रहा हूँ शुरू, जब कॉलेज के समय से हिंदुस्तान अखबार, फिर जागरण और काफ़ी न्यूज़पेपर में मैंने फ्रीलांसिंग किया। उसके बाद फिर मुंबई में जाके E24 चैनल में असिस्टेंट प्रोड्यूसर रहा,
तो मेरा ये जो फील्ड हुआ आर्ट एंड कल्चर ही, और इसी सब्जेक्ट में मैं काम करता रहा शुरू से। और मुझे राजनीतिक और क्राइम वगैरह के विषयों पे मुझे शुरू से ही पसंद नहीं था, तो एक अपना एक रुचि होता है कि इस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं तो इसी क्षेत्र में हम ये संबंधित चीज़ों को लाना चाहते थे। तो फिर लगा कि भी अगर हम लाते हैं मैगजीन तो सिर्फ न्यूज़ तो बहुत है, बहुत सा निकल रहा है, तो कुछ अलग हट के आप क्या करिएगा। तो उसमें हम लोगों ने क्या किया, बड़े बड़े शख्सियतों का संस्मरण, वाक्य, निजी जो प्रसंग है, सच्ची घटनाएं हैं जो मोरल सपोर्ट कर सकते हैं, जो निगेटिव आदमी डिस्प्रेशन में जा रहा था उसको पढ़ के सकारात्मक हो सकता है, तो ऐसे चीज़ों को हमने इसमें मंच में मतलब शामिल किया। और धीरे धीरे और प्रयास है कि कुछ और अच्छी अच्छी चीज़ें। आज के जो युवा हैं, जहाँ से साहित्य की बात करें तो देख सकते हैं कादम्बनी, हंस, ऐसे ऐसे मैगजीन हैं, और अगर राजनीति और करंट अफेयर्स के साथ जुड़ें तो हमारे साथ इंडिया टुडे जैसे ऐसे ऐसे मैगजीन है। उसमें आपको बोलो जिंदगी को स्थापित करना एक समाज में क्या चुनौती का सामना करना पड़ा होगा? तो मैंने तो आपको पहले ही कह दिया कि हमारा राजनीतिक मैगजीन है नहीं, और अगर साहित्यिक मैगजीन आपने बोला, कादम्बनी जिक्र किया और आपने जो हंस का जिक्र किया, तो ये साहित्यिक पूरी रूप से साहित्यिक मैगजीन भी नहीं है। इसमें दो कॉलम, बस एक दो कॉलम साहित्य के हैं, मतलब पूरा एक मिक्सरन है जो आर्ट एंड कल्चर में साहित्य भी आ जाता है, तो सारा चीज़ समाहित है इसमें, पर्यटन भी आ जाता है, तो राजनीति तो है ही नहीं इसमें, राजनीति का मात्र एक कॉलम है उसमें। तो उनसे हम कंपटीशन और कंपेयर ये सब तो दूर की बात है, मतलब सोच ही नहीं सकते उस विभाग में। और कला संस्कृति के ऊपर में जो मैगजीन जो निकल रही हैं, तो उससे हम ये कर सकते हैं कि हाँ, तो अब कोशिश तो यही रहेगा कि हम लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा, अभी तो है कि सब्सक्रिप्शन अभियान चलेगा, लोग सदस्य बनेंगे, उसके घर पर पहुँच जाएगा जो मेम्बर रहेंगे, और धीरे 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 हमारा, और इसका एक डिजिटल फॉर्मेट भी हमारे पास है, उसको हम लोग व्हाट्सअप मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से, इसका एक कॉलम इसमें आता है कि सरहद पार से, इसमें विदेशों के भी जो वहाँ पे भारतीय जो रहते हैं वो उनके बीच में क्या वहाँ पे कैसे पर्व त्यौहार को, इंडियन पर्व त्यौहार को कैसे मना रहे हैं, वो ऐसे भी न्यूज़ इसमें हम इसमें निकाल रहे हैं। तो अब अमेरिका के न्यूज़ अभी इसमें आप लेटेस्ट देखेंगे, तो ये चीज़ों जो वहाँ भी है तो उनको कैसे मैगजीन हम नहीं भेजेंगे ना, उनको ई पेपर ऑनलाइन भेज देंगे, तो इस तरह से हमारा ये ऑनलाइन भी शेयर होगा काफ़ी। तो इस तरह से ये जो आज के समय में जो लोग दूर होते जा रहे हैं, तो कला संस्कृति पावन त्यौहार जो भी हिंदुस्तान हिंद कल्चर के लोग हैं, कल्चर है अपने यहाँ का, उसको संवर्धन करते हुए लोगों तक जन जागरण की एक मुहिम चलाएंगे, और जिससे कि साहित्य और संस्कृति से लोग जुड़ पाए। KBC न्यूज़ पटना से अमलेश आनंद की रिपोर्ट।